तो गाइस जिस चीज़ के लिए गाड़ी जानी जाती है ना, ये टोयोटा की इनोवा क्रेस्टा जो है, ये इनोवा क्रेस्टा जो भी है, इनोवा पहले आती थी बट क्रेस्टा अभी फेसलिफ्ट आया है, तो ये एक अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर सही में ना बहुत तगड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। और ये गाड़ी जैसे और गाड़ियाँ क्या है, जैसे आप लेने निकलते हो ना तो वो तो या तो 7 सीटर में मिलती है या फिर 6 सीटर में मिलती है। इसके अंदर ऑप्शन क्या है, 7 सीटर और 8 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो कार्निवल है उसको कंपेयर करोगे तो उसके अंदर भाई 9 सीटर भी आ जाता है, बट जो उस गाड़ी की डिमांड है वो इतनी नहीं है जितनी आप लोग को इस टोयोटा की इनोवा की क्रेस्टा की जो है डिमांड मिल जाती है। इसके दो रीज़न है, एक तो टोयोटा भाई नंबर वन ब्रांड जो है यूं ही नहीं है, वर्ल्ड नंबर वन ब्रांड यूं ही नहीं है, यूं ही होती तो भाई कोई उठ के बन जाती नंबर वन ब्रांड। तो कुछ तो भाई बात है इस इनोवा क्रेस्टा में, तो सही में ही बात है भाई। इसके अंदर दो इंजन मिल जाते हैं आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर, एक तो आता है 2.4 लीटर का डीजल इंजन और एक आता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन जो इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, 2.4 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है। तो इस गाड़ी के अंदर अगर वेरिएंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर GX, फिर आएगा G, फिर आएगा इसका G+ वेरिएंट आएगा, फिर VX वेरिएंट आएगा और फिर ZX वेरिएंट आएगा। जो आप इसका ये वेरिएंट देख रहे हो VX वेरिएंट है, बट कंपनी ने पीछे क्या करके दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ जो है V की ही बैजिंग मिलेगी, X की जो है बैजिंग नहीं मिलेगी। पेट्रोल डीजल का मैंने आप लोग को बता दिया, दोनों के साथ में जो है ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। जैसे इसके ऊपर के दो वेरिएंट बच गए ना, टॉप वाले जो दो वेरिएंट हैं उनके अंदर वाइट में सुपर वाइट मिल जाएगा और एक दूसरा वाइट कलर आता है वो भी मिल जाएगा, बट जैसे इसके नीचे वाले जो वेरिएंट हैं उनके अंदर आप लोग को सिर्फ सुपर वाइट कलर ही अवेलेबल होगा। तो आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट वॉक अराउंड में देने वाला हूँ, कौन से फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन आप लोग को इस VX वेरिएंट में मिल जाती हैं। रिव्यू भाई गाड़ी के लुक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसका जो ये वाला कलर है ये आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा, जैसे इसके दो सुपर वाइट को छोड़कर दूसरा वाला वाइट कलर आता है ना वो ज़्यादा अच्छा सा लगता है, जिसको सुपर वाइट कलर आता है वो देखने में इतना अच्छा से नहीं लगता। MPV में भाई लुक जो है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी मिल जाती है, कहीं से भी देख लो कहीं भी, मतलब गाड़ी की लुक में कोई भी बुराई नहीं लगेगी। तो जो गाड़ी की अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लो बीम में, हाई बीम में हेलोजन है, ये इसके DRL दे रखे हैं, इंडिकेटर हेलोजन है, आगे की तरफ सिर्फ पार्किंग सेंसर्स जो है गाड़ी मिल जाते हैं, और LED में जो है गाड़ी की फॉग लाइट जो है अवेलेबल हो जाती है। फॉग लाइट भाई बिल्कुल अंदर से छुपा रखी है, बाकी थ्रो जो है इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा से मिल जाता है। फ्रंट लुक गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी सी बना रखी है, यहाँ पे क्रोम फिनिश का भी जो है यूज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर इतनी कोई एसेसरीज नहीं लगी हुई है, बाकी जो एसेसरीज आएंगी ना वहाँ मैं आप लोग को बताता चलूँगा कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे जो इसके अंदर फुट स्टेप्स है ना, इसके अंदर एसेसरीज के तौर पर लगे हुए हैं, बाकी गाड़ी के अंदर इतनी फुट स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके भाई थोड़ा सा ओल्ड एज के पर्सन है भाई उनको दिक्कत हो सकती है कि फुट स्टेप्स की जरूरत पड़े, बाकी इतने जवान लोगों को इतने को खास इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर जाना और बाहर आना ना कि कोई इतना मशक्कत भरा वाला काम नहीं है, बिल्कुल आराम से आप जा सकते हो और गाड़ी के अंदर से बिल्कुल आराम से आप उतर के आ सकते हो। जैसे साइड गार्निश देख रहे हो क्रोम की, ये भी गाड़ी के अंदर एसेसरीज लगी हुई है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं और रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है इसके ऊपर अवेलेबल हो जाता है, और विंडो के नीचे जैसे आप देख रहे हो ये भी गाड़ी के साथ में आता है, बट जो इसके सनवाइजर लगे हुए हैं वो गाड़ी में एसेसरीज के तौर पर लगे हुए हैं, और भाई गाड़ी के अंदर कोई भी एसेसरीज नहीं लगी हुई है। और एक और एसेसरीज लगी हुई है, जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे ना तो जो ORVM है इसके ऑटो फोल्ड हो जाएंगे, तो ये वाली इसके अंदर एसेसरी लगी हुई है। एसेसरीज के जो प्राइस है आप लोग को शो कर देता हूँ, तो भाई ये इसके अंदर एसेसरीज है और इतना प्राइस जो है इसके अंदर लगा हुआ है। वाइपर भाई कुछ इस तरह के मिलते हैं भाई, काफ़ी नीटली सा क्लीन करते हैं, जो दूसरे तरह वाले वाइपर आते हैं ना वो इतने बढ़िया से क्लीन नहीं कर पाते हैं। गाड़ी में क्या आप लोग को शार्क फिन का एंटीना ही अवेलेबल होता है, पीछे जो है स्पॉइलर मिल जाता है और हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफोगर वाइपर जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाता है। जो गाड़ी की फ्यूल लिड है वो लेफ्ट साइड में दी गई है, जो कैसे दबाने से ओपन नहीं होती, अगर आप फ्यूल लिड को जो है ओपन करना चाहते हैं तो वो भाई तो वो ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके हुड खोलने के लिए दिया हुआ है, बाकी अंदर जाके बताऊंगा। और गाड़ी के अंदर क्या है, 65 लीटर की ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 1730 kg का जो है गाड़ी का कर्व वेट मिलता है। और एक और अच्छी चीज़ दिखाई जाए,
टेलगेट भाई अच्छा है, दे रखा है जैसे तीनों रो अप है ना, इसके बाद भी जो गाड़ी के अंदर स्पेस बच रहा है, ये बूट स्पेस जो बच रहा है तो वो बिल्कुल ठीक बच रहा है। आप अपना सामान यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, इतना स्पेस भाई किसी में भी आप लोग को नहीं मिलेगा जैसे सामान वगैरह रखने के लिए। इसका रेक्लाइन एंगल भाई थोड़ा सा, अरे यार ये आगे की तरफ चला गया। रेक्लाइन एंगल भी जो है इनकी थर्ड रो की सीट का आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 8 सीटिंग पता है कैसे आती है, दो तो आगे आती है, 3 बीच में आती है और 3 ही इसकी जो है थर्ड रो में आप लोगों को अवेलेबल होती है। अगर इसमें जैसे आप अपना बूट स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो देखो भाई इस तरह से करके ये ऐसे करके यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ना ये यहाँ पे आके इसमें ऊपर टक इन हो जाएगा, तो आपका स्पेस अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है और तीनों ही आप लोगों को जो है हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 बंदे जो पीछे बैठेंगे तीनों के लिए हेडरेस्ट जो है मिल जाते हैं। एक एड्रेस्ट भाई यहाँ पे लगा हुआ है और जो गाड़ी का स्पेयर व्हील मिलता है वो नीचे की तरफ में दिया गया है। पीछे पार्किंग सेंसर्स जो हैं गाड़ी में मिल जाते हैं और कैमरे की प्लेसमेंट भी जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। और जो टेल लाइट है गाड़ी की हेलोजन बल्ब के साथ में आती है। 2.4 जो इंजन है उसकी बैजिंग दे रखी है और वी जो वेरिएंट है उसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और जो गाड़ी के टायर हैं अलॉय व्हील्स अवेलेबल होते हैं 16 इंच के। गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, पीछे की तरफ जो है गाड़ी में ड्रम ब्रेक अवेलेबल होता है। ब्रिजस्टोन के जो गाड़ी के अंदर टायर आते हैं 205/65/16 इंच के गाड़ी के अंदर टायर्स आते हैं। अभी फर्स्ट रो में बात कर लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। डोर पे जैसे आप लोग देखोगे तो जो है लैंप भी प्रोवाइड हो जाता है, स्टॉप लैंप आगे की तरफ में प्रोवाइड है और एज वेल एज इसकी सेकंड रो के जो डोर हैं इन पे भी जो है प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ दिया हुआ है, चारों पावर विंडो के स्विचेज ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आते हैं एज वेल एज ऑटो अप फंक्शन के साथ आते हैं जो इसके चारों विंडोज़ हैं, तो भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़ी फीचर मिल जाता है। और एंटी पिंच फंक्शन के साथ इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ORVM के फोल्ड एंड फोल्ड के और एडजस्टमेंट के कंट्रोल दे रखे हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी में मिल जाती है, फैब्रिक की ही सीट्स आएंगी इस वाले वेरियंट में, बट जैसे टॉप वेरियंट आएगा सुपर वाला उसके अंदर आप लोगों को जो है लेदर अपोल्स्ट्री वाली सीट्स मिल जाएंगी। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए दे रखे और ये DF टैंक में जो है यूरिया को मतलब छिड़कने के लिए दे रखा है और ये इसके हुड को ओपन करने के लिए, और फ्यूल लीड का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था। अभी गाड़ी के इंटीरियर में बात की जाए भाई, जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ में मिलता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पे जो है MID कंट्रोल है, ये क्रूज कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प्स जो है गाड़ी में मिल जाती हैं और वाइपर के कंट्रोल जो है इस साइड दे रखे हैं। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें एनालॉग में दे रखे हैं और जो इसके MID है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। जो इसका टच स्क्रीन है ना वो भाई काफ़ी ब्राइट सी मिल जाती है, 8 इंच की मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन ही मिलता है इसके अंदर, इको मोड पावर मोड ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए और फास्ट चार्जिंग के लिए USB का सॉकेट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। गाड़ी के अंदर ना एक दिक्कत है यार, इसके अंदर 5-स्पीड गियरबॉक्स आता है चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल इंजन हो। और आर्मरेस्ट जो है इसका स्लाइडिंग नहीं मिलता है बट उसके अंदर स्पेसिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ऊपर की तरफ भी ग्लव बॉक्स दिया हुआ है और नीचे की तरफ भी जो है ग्लव बॉक्स मिल जाता है। स्पेस भाई थोड़ा कम ही मिलता है बट इसको आप लॉक कर सकते हैं। IRVM मैनुअल में दे रखे हैं और रीडिंग लैंप इसकी हेलोजन बल्ब के साथ में, और यहाँ पे देखोगे ना तो भाई एम्बिएंट लाइट भी दे रखी है, पीछे की तरफ भी है, वो पीछे ही जाके आप लोग को शो करूँगा। जो इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखोगे ना तो फ्लोटिंग टाइप का सा है तो ठीक लगता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और जो हुड है भाई इतना सा दिखता है जितना आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, इतना ही पार्ट दिखता है, कोई इससे ज़्यादा नहीं दिखता है। अब कंफर्ट की बात की जाए तो भाई विजिबिलिटी वगैरह तो बिल्कुल ठीक आती है और गाड़ी को ड्राइव करने में ना एक नंबर का मज़ा सा आएगा, क्योंकि भाई एक तो गाड़ी चलती बहुत बढ़िया है और ऊपर से भाई एक कॉन्फिडेंस सा भी रहता है भाई गाड़ी में, जैसे जो रहती है ना काफ़ी स्टेबल सी होकर चलती है गाड़ी, हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है। 140 की स्पीड पे भाई मैं इसमें मतलब चला रखी है मैंने गाड़ी और बैठ के भी जा चुका हूँ, तो बहुत थोड़ा सा कंफर्ट इसके अंदर रहता है। साइड विंडो वगैरह से भाई अच्छा व्यू आ जाता है, ORVM वगैरह अच्छे बड़े बड़े दे रखे हैं, तो विजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड तो भाई गाड़ी में कोई भी इशू नहीं लगेगा। और जो अंडर थाई स्पोर्ट है, लेग रूम वगैरह है, वो गाड़ी के अंदर लेग रूम जो है ना ये वाला गैप जो ये ठीक ठाक सा मिलता है, कोई इतना ज़्यादा से नहीं मिलता है। डेड पैडल के लिए भी स्पेस जो दे रखे हैं ना वो थोड़ा सा कम लगा, वो थोड़ा सा और हो सकता था, बाकी इसमें भी आप लोग को कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी गाड़ी के सेकंड रो में भाई कंफर्ट की बात की जाए तो स्टेप इन करने में भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो ये कैप्टन टाइप सीट है ना भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सी रहती है, और पीछे ना आप लोग को ट्रे भी जो है प्रोवाइड हो जाती है। इस साइड वाली में पन्नी हट रखी है तो इस साइड वाली की ट्रे आप लोग को करके दिखाता हूँ, तो देखो इस तरह की आप लोग को ट्रे मिल जाती है। मैक्सिमम लोड भाई 10 kg तक उठा लेगी, तो आप लैपटॉप आराम से प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, बट अपना खाना वगैरह तो भाई इस पर खा ही सकते हो। और ग्लास होल्डर भी इसमें प्रोवाइड हो जाते हैं, ऊपर एयर के वेंट्स दे रखे हैं,
जिनका कंट्रोल भी कर सकते हैं आप एयर फ्लो की, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, आर्म रेस्ट या बीच में भी दो ग्लास होल्डर दे रखे हैं, तो ये कंफर्ट ना भाई इन कैप्टन टाइप सीट का तो भाई यूँ लगा लो बहुत बढ़िया से रहते हैं। अब थर्ड रो में जाने के लिए या तो आप बीच में से जा सकते हो, या फिर जो है इसकी टम्बल फोल्ड भी हो जाती है, वहाँ से भी आप करके जा सकते हो। अगर इसकी सेकेंड रो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, बस ठीक ही है, इसकी थर्ड रो में सीधा ही जाके दिखाता हूँ आपको। ये टम्बल फोल्ड हो गई, अब सीधा भाई गाड़ी के थर्ड रो में ये किया मैंने स्टेप इन, इसी के पीछे आ जाते हैं, इसका रेक्लिनिंग कर लेते हैं थोड़ा एडजस्ट। तो ये देखो भाई ऑलमोस्ट पीछे ही है सीट, अगर देख लेता हूँ पूरी पीछे है भाई सीट, रेक्लिनिंग भी अच्छा है। तो नी रूम घुस चुका है, लेग रूम ठीक है, अंडर थाई स्पोर्ट गाड़ी के अंदर इतनी बढ़िया नहीं है। बाकी जैसे बोलते हैं ना पीछे तीन बंदे बैठ जाएंगे, तो भाई पीछे सिर्फ दो ही बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं, तीन बैठ जाएंगे बट वही है गुचपुच सी हो जाएगी, थोड़ा दिक्कत सी होगी। बाकी ऊपर की तरफ एयर के वेंट दे रखे हैं, और पीछे ना कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दे रखे इस गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे जो पीछे वाला बंदा बैठेगा उसको थोड़ी एक कमी खटकेगी। तो बाकी अपना हाथ ना इसके ऊपर रख के आप आराम से इस गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। ओ भाई इस गाड़ी के अंदर आते हैं दो इंजन, एक तो 2.4 लीटर का डीजल इंजन और एक आता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन। जो इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ 2.4 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि 148 bhp प्रोड्यूस करता है, और जो इसका पेट्रोल इंजन आएगा 2.7 लीटर का वो 164 bhp प्रोड्यूस करता है। जाहिर सी बात है जो इसका डीजल इंजन आएगा उसकी एवरेज ज़्यादा रहेगी, वो आपको 13-14 km/h के आराम से निकाल के दे देगी अगर आप गाड़ी को आराम से चलाओगे तो। यूं ही पूरा एक्सीलेटर दे जा रहे हो, उड़ाई जा रहे हो भाई ब्रेकर में, भाई टायर ही नहीं टिक रहे हैं, तो भाई गाड़ी एवरेज इतनी अच्छी निकाल के नहीं देगी आप लोगों को। बाकी 7-8 जने बैठ जाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दबेगी, चलाने में आप लोग को एक नंबर का मजा आएगा। तो भाई ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।